तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं अभी 11 बजे से। तो अभी हम जा रहे हैं कहीं, तो हम आपको लेके चलते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए, तो अभी हम लोग भिकियासैन पहुंच चुके हैं और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं नदी के किनारे किनारे। काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर अभी जो ये पुल बनता हुआ दिख रहा है आपको, अभी पूरा नहीं हुआ है। इस पुल के बनने से यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधा यहाँ पर हो जाएगी, मरचुला रामनगर के लिए जाएगी और यहाँ से काफ़ी ईजी हो जाएगा सभी के लिए और काफ़ी अच्छा आपको व्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए लेके चलते हैं आपको आगे। यहाँ का व्यू देख के आप लगा सकते हैं कि हम किस जगह जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ का मौसम है, धूप आई है लेकिन काफ़ी अच्छी ठंड हवाएं चल रही हैं। हम जा रहे हैं मनीला की ओर, तो लेके चलते हैं आपको मनीला। चलिए, तो चलिए आप भी एंजॉय कीजिए इन हसीन वादियों का। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण में और लेके चलते हैं आपको, दर्शन कराते हैं थोड़े। तो ये है मनीला का मंदिर प्रांगण। यहाँ से दो प्रवेश द्वार हैं, एक नीचे एक इधर सामने, और ये यहाँ से मुख्य द्वार है। तो ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। तो मुझे यहाँ पर मिला है एक बहुत खूबसूरत सा पक्षी जिसका नाम है, पहाड़ी भाषा में इसको कठफड़ुआ कहते हैं। और पहाड़ी भाषा में इसको कठफड़ुआ कहते हैं।
और ये देखिए कितनी सुंदर सी यहाँ पर ये पक्षी है, और वो उड़ के चली गई। तो फिर से मुझे ये पक्षी यहाँ पर दोबारा मिल गई है, और काफ़ी प्यारी सी है। और इसके जो सर के ऊपर जो क्या है ये पंख पंख हैं, प्यारी प्यारी से कलगी टाइप की कलगी नहीं, कलगी है वो, जुल्फे हैं उसकी बोल। हाँ अब मम्मी से बोल पांच। फिलहाल अभी हम चलते हैं, थोड़ा फोटो शूट कर लेते हैं और अब हम निकलेंगे घर की ओर। तो चलिए यहाँ आगे।